मैंने कहा आपको ज़िंदगी से इश्क है, और उन्होंने कहा मुझे ब्लड डोनेशन से इश्क है। और ये जवाब था कुलभूषण अरोरा जी का, जो इनका पेन नेम कुलभूषण दीप भी है। और आज मेरे हाथों में उनकी किताब, जिसका टाइटल है कैंसर सर्वाइवर की डायरी, डायरी ऑफ ए कैंसर सर्वाइवर। और क्योंकि आजकल हम किताबें पढ़ने से ज़्यादा सुनने लगे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना पढ़ते पढ़ते इसे रिकॉर्ड किया जाए, ताकि ये जो किताब है, ये जो डायरी है कुलभूषण दीप जी की, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कैंसर सर्वाइवर की डायरी, कुलभूषण दीप अरोड़ा जी की ये किताब। एक निवेदन है, आपके हाथ में जो किताब है वो कोई उपन्यास या साहित्य रचना नहीं है, एक कैंसर के मरीज की डायरी है। ग्रामर या अन्य गलतियों पर ध्यान ना दें, ना ही कोई कहानी समझकर पढ़ें। जैसे डायरी लिखते समय गलतियों पर ध्यान नहीं जाता, ठीक वैसे ही पढ़ते समय आप केवल उन भावनाओं को पढ़ें। मैंने अपने संघर्ष के सफर में अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए कुछ तरीके ढूंढे, आप उनको ढूंढें इसमें और समझें। हो सकता है ये छोटी छोटी बातें आपके किसी काम आ सकें। गलतियां सुधारने की कोशिश नहीं की है मैंने, अपनी भावनाओं को ज्यों का त्यों रखा है। आशा है मेरी इस धृष्टता को आप अन्यथा नहीं लेंगे और गलतियों के लिए मुझे क्षमा करेंगे। असल में मैं चाहता था कि ये डायरी मेरी ही हैंडराइटिंग में लिखी हो, तब तो इसे पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता, इसीलिए इसे छपवा कर आपके हाथों में दिया है। आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप इसे अवश्य पसंद करेंगे। बहुत आभार कुलभूषण दीप। तो हैंडराइटिंग के मामले में तो हम भी कुलभूषण दीप जी जैसे ही हैं, अपनी ही समझ में नहीं आती। तो चलिए प्रस्तावना की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तावना, नमस्ते। मुझे याद नहीं कि 1990 तक मैंने कभी ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स के बारे में सुना हो, कम से कम अपनों के बीच तो कतई नहीं। मगर मुझे नहीं पता था कि मेरा ही पाला पड़ने वाला है कैंसर के मरीज से, वह भी मेरी पत्नी, कैंसर भी घातक वाला, फूड पाइप में। उन दिनों में बहुत एडवांस इलाज और जांच के साधन भी नहीं थे, यह सब 1997 में हुआ, मेडिक्लेम की जानकारी नहीं थी। जब कैंसर से भिड़ना पड़ा तो समझ में आया कि कैंसर सिर्फ शरीर का रोग नहीं है, कैंसर एक शारीरिक बीमारी होने के साथ साथ मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और वित्तीय पीड़ा भी उत्पन्न करता है। इसके अलावा कैंसर के इलाज के दौरान और उसके बाद की जिंदगी में व्यक्ति को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मानसिक तौर पर डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस जैसी समस्याएं सामने आती हैं। इसके अलावा समाज में स्टिग्मा और सामाजिक दूरियां भी व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। वित्तीय पक्ष से भी इलाज की महंगाई और कमाई पर असर पड़ता है। मेरा मानना है इसलिए कैंसर का इलाज शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और वित्तीय रूप से भी समझना और सामना करना जरूरी है। इसमें सपोर्ट ग्रुप, काउंसलिंग और विशेषज्ञ परामर्श मददगार साबित हो सकते हैं। ये सभी माध्यम व्यक्ति को सहायक सुझाव और सहयोग प्रदान कर सकते हैं, जिससे व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान कर सके और जीवन में आगे बढ़ सके। 2014 में मुझे जब कैंसर हुआ तो ये सभी तथ्य साक्षात दिखे। मेडिक्लेम ने आर्थिक झटके से तो बचा लिया, मगर शरीर और मन ने सब कुछ झेला। 2021 में फिर से कैंसर का आना, और वो भी ऐसे समय में जब कोरोना का सेकेंड वेव पीक पर थी। उफ, कितने डरावने दिन थे वे। ये किताब 2014 से 2024 तक मेरी ज़िंदगी की डायरी के पन्ने हैं, जिनमें मेरे दर्द, पीड़ा, तकलीफ़ें, मेरी बेबसी, मेरी हिम्मत और जीने की ज़िद की यात्रा है। आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ, इस विश्वास के साथ कि मेरे अनुभव किसी को मोटिवेट कर सकें, तो ये सब लिखना सफल हो जाएगा। आप सभी को धन्यवाद जो इस किताब के साथ इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आपका साथ और आपका समर्थन मुझे हर समस्या का सामना करने की ताकत देता रहेगा। धन्यवाद, कुलभूषण दीप। तो ये थी प्रस्तावना, और इससे पहले कि हम डायरी की पहली एंट्री यानी चैप्टर 1 पर चलें, कुलभूषण जी ने
खुद अपनी इस किताब की समीक्षा भी लिखी है, एक मज़ेदार। तो शुरुआत करने से पहले चलिए उस समीक्षा को भी पढ़ लेते हैं। मेरे लिए किताब लिखने का अर्थ, मैं अपने मन की पीड़ाओं को किसी से कह नहीं पाता, कहा भी तो समझेगा कौन। मैंने बचपन से ही लिखना शुरू किया। घर पर पता चलते ही नाना जी ने जोरदार तमाचे जड़ दिए। कॉलेज पहुंचा, पढ़ाई लिखाई में एक औसत दर्जे का स्टूडेंट रहा। रक्तदान और थोड़ा बहुत लिखना चलता रहा। 1977 में मुझे साहिर लुधियानवी जी से मिलने के लिए 5 मिनट के समय का जुगाड़ हो गया। पता नहीं मेरे 10 बार किए रक्तदान की बात किसने उन्हें बताई। तब उन्होंने आग्रह कम आदेश अधिक दिया कि मुझे रक्तदान पर फोकस करना होगा। 1978 से 81 तक मुझे सुधा दी का साथ मिला और उनके साथ रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा। 1 जनवरी 1983 को सुधा दी अकस्मात मृत्यु मेरे लिए वो पीड़ा लेकर आई जिसका निदान समझ से बाहर था। एक रात सपने में सुधा दी मिली और बोली कि एक किताब लिख दे हमारे संबंध पर, और मैंने खामोश इमारत लिख दी, छप भी गई। मुझे लगा कि सुधा दी की सब यादें तो वैसी ही हैं, मगर जो पीड़ा की भावनाएं थी वो अब नहीं हैं। ये कैंसर सर्वाइवर की डायरी मेरे 14 से 2024 तक 10 वर्षों की कहानी है, जिसे लिख देने के बाद मन इतना हल्का महसूस हो रहा है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यादें सब ज्यों की त्यों हैं, मगर वो पीड़ा, संघर्ष और एक एक दिन को जी लेने की लड़ाई की भावना का दर्द बहुत कम हो चुका है। वैसे इसको पढ़कर क्या कोई समीक्षा करेगा, और मुझे लिखने से जो मिला है वो एक अनमोल रत्न है। मैं नहीं कह रहा आप इसे खरीदें या पढ़ें, वो आपकी इच्छा है। मुझे तो खुद को खुशी देनी है, और वो सच में आनंद है जिसे केवल मैं ही समझ सकता हूँ। वो पिज़्ज़ा, बर्गर, पेप्सी वाली बात भी एकदम सही है। शायद 370 रुपये में और भी बहुत कुछ आता होगा, क्यों है ना। मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा, अपनी ही किताब की खुद की समीक्षा कर रहा हूँ। कुलभूषण दीप। डायरी की एंट्री नंबर 1, यानी चैप्टर 1 भी कह सकते हैं इसे। यह तेरा जुखाम ठीक नहीं हुआ, अब तो बहुत टाइम हो गया। पापा जी के इस सवाल में जानने की चाह के साथ चिंता की एक झलक दिखाई पड़ी। जायज़ है उनकी चिंता, अब तो मेरे मन में भी यह चिंता बढ़ रही है कि आखिर ये कैसा जुकाम है जो बीते 8 महीने से ठीक नहीं हो रहा। जुकाम तो मुझे हर साल बदलते मौसम में होता है, मगर इस बार तो ठीक ही नहीं हो रहा। सारी पैथी तो आजमा के देख चुका, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी सब ट्राई कर ली। अगस्त का महीना वैसे तो बारिश वाला होता है, मगर पिछले कुछ दिनों से बादल तो आते हैं मगर बारिश नहीं होती। आसमान में बादल आते हैं, चिढ़ाकर चले जाते हैं। इससे वातावरण में नमी का स्तर बढ़ गया है। नमी वाली गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तेज़ गर्मी कितनी भी हो मज़े से सह लेता हूँ, मगर यह नमी वाली गर्मी की घुटन सही नहीं जाती। एक अजीब सा चिड़चिड़ापन मन पर हावी हो जाता है। आज तो एक नमी मन में भी है, बाहर और अंदर दोनों वाली नमी ने मिलकर सांसों का चलना भी मुश्किल कर दिया है। मुझे इतनी घुटन हुई कि मैं हाँफने लगा। पास बैठे मेरे भतीजे विराट ने मेरी इस स्थिति को भांप लिया और पूछा, क्या हुआ ताया जी, कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ यार, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चलो किसी डॉक्टर को दिखाने चलते हैं। 10 मिनट में ही हम पास एक ENT डॉक्टर के पास पहुंचे। कब से है प्रॉब्लम? नाक को टॉर्च से देखते हुए उन्होंने पूछा। जी, लगभग 8 महीने से यह नाक से डिस्चार्ज चल रहा है। दवा खा ली तो कुछ दिन ठीक, थोड़े दिन बाद फिर से शुरू। 8 महीने तो बहुत टाइम होता है, आपको इसकी जांच करवानी चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं, अब देख लेते हैं। चैप्टर 2। एंडोस्कोपी तो करनी पड़ेगी। जी ठीक है, कर लीजिए। डॉक्टर गुप्ता ने नाक में कुछ स्प्रे किया, लोकल एनेस्थीसिया ही होगा। कुछ मिनट के बाद एक पतली सी तार जिसके आगे टॉर्च थी बाई नासिका में डाली। मेरी निगाह उनके चेहरे पर आते जाते भावों को पढ़ने की कोशिश करती रही। इतना तो फील हो गया कि सब ठीक नहीं है। तार बाहर आई और नाक में कोई पैक लगा दिया और बोले, घंटे भर बाद इसे निकाल लेना। सर कोई ग्रोथ तो है,
जिसको टच करते ही ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। मेरे विचार से आपको इसका सीटी स्कैन करा लेना चाहिए कल ही, और शाम को रिपोर्ट दिखा देना। प्रिस्क्रिप्शन लेकर बाहर आया विराट ने देखते ही पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ, कल सीटी स्कैन करवाने को बोला है। सीटी स्कैन क्यों, कुछ सीरियस तो नहीं? पता नहीं, मुझे भी ज़्यादा समझ में नहीं आया। मनु, मेरा बेटा, उसे सीटी स्कैन के बारे में बताया तो उसने सुझाव दिया कि उसके एक दोस्त के पापा डॉक्टर हैं, उनसे लिखवा लो तो कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। अगली सुबह मनु के दोस्त के पापा से लिखवा कर सीटी स्कैन करवा लिया। शाम को रिपोर्ट देखी तो थोड़ी बेचैनी बढ़ गई। तब ठीक नहीं है, मन ने मन में मन को कहा। मेरी इस फिक्र को शाम को डॉक्टर गुप्ता ने पक्का कर दिया, यह बोलकर कि आपको इसकी बायोप्सी करानी है। बायोप्सी क्लिनिक में तो नहीं हो सकती, इसके लिए तो आपको या तो फोर्टिस हॉस्पिटल या सिटीजन नर्सिंग होम में आना पड़ेगा। बायोप्सी की बात सुनते ही घर में टेंशन वाला माहौल बन गया। मम्मी पापा को तो हमने कुछ नहीं बताया, वरना उनको बहुत टेंशन होती। एक ओपिनियन और ले लो ना, मेरे भाई संजय ने सुझाव दिया, और उसने डॉक्टर अमित से फ़ोन कर अगले दिन शाम का अपॉइंटमेंट ले लिया। सब अपने अपने कमरों में चले गए सोने के लिए। मैंने भी कोशिश की, सोने की नींद ही नहीं आई। चुपके से उठा, एक कप चाय बनाई और घूंट घूंट कर पीने लगा। इंसान को जब कुछ समझ नहीं आता तो वो या तो रो लेता है या प्रार्थना करता है। मेरी आंखों के कोनों में आंसू की एक एक बूंद रुकी हुई है। मन अचानक ही प्रार्थना करने लगा है, लगता है कोई बड़ी और कड़ी परीक्षा आ रही है। हे ईश्वर, आपने सदा मुझे रास्ता दिखाया है। अगर यह परीक्षा बहुत मुश्किल वाली है तो भी मुझे पूरा भरोसा है कि आपका साथ मुझसे नहीं छूटेगा। साथ तो मैं ही छोड़ता हूँ, आप तो कभी नहीं। आप जो इन ट्यूशन्स के जरिए संदेश देते हैं, उन्हें सुन सकूँ, समझ पाऊँ, यह साहस भी देना मुझे। दोस्त के करता कृष्ण, जो भी परीक्षा है मुझे वो साहस भी देना कि मैं इसे हंसते खेलते पार पा जाऊँ। और मेरी आंखों के कोने में रुके आंसू फिसल कर मेरे होठों तक आ गए, मानो प्रार्थना पूरी हो गई हो। चैप्टर 3। डॉक्टर अमित ने सब रिपोर्ट देखी और बोले, इसकी तो सर्जरी करनी पड़ेगी, बायोप्सी भी साथ ही हो जाएगी। आज बुधवार है, शनिवार को सर्जरी कर लेंगे, तब तक आप ये सब टेस्ट करवा लो। सर्जरी की डेट के लिए मैं अपने कमरे में जब आया तो मन में ढेर सारे सवाल हैं। एक सवाल ये भी है कि मेरे इन सवालों के जवाब कौन देगा। मुझे अपने दोस्त डॉक्टर मखीजा की याद आई, वो भी तो ENT स्पेशलिस्ट हैं। व्हाट्सएप कर देता हूँ सारी रिपोर्ट्स। अभी कुछ और सोचता कि फ़ोन की घंटी बजी। महेश, ये तो चंडीगढ़ से है, मेरी मासी का बेटा, शायद संजय ने कुछ बताया होगा उसे। मेरा अंदाज़ा सही निकला। महेश ने बताया कि उसके एक खास दोस्त हैं डॉक्टर धीर, एक बार उनको भी दिखा लेते हैं। ये उनका नंबर भेज रहा हूँ, आप एक बार बात कर लीजिए। डॉक्टर धीर से बात हुई और ये निश्चित हुआ कि कल सुबह ही उनको दिखा लिया जाए। अगली सुबह संजय के साथ में मिला डॉक्टर धीर से। उन्होंने सब रिपोर्ट्स देखी और बोले, सर्जरी नहीं करानी है अभी, आप एक हफ्ता ये दवाई लीजिए, हफ्ते भर बाद देखते हैं। अब क्या करूं? अजीब सी उलझन है। एक ने सर्जरी की डेट फिक्स कर दी है, दूसरा कह रहा है कि सर्जरी संभव नहीं। किसकी बात मानूं, किस पर विश्वास करूं? इस प्रश्न का आकार बड़ा होने लगा तो अपने अंतर्मन से गुहार लगाई, मुझे कुछ दिशा दिखाओ। अंतर्मन ने डॉक्टर धीर पर उंगली टिका दी। मैंने अधिकतर अपने अंतर्मन की सुनी है, जब भी सुनी कभी भी निराश नहीं हुआ। जब जब अंतर्मन की नहीं सुनी, हमेशा चोट ही खाई है। सब जानते समझते हुए भी कई बार ये गलती कर लेता हूँ। इस बार तो समस्या बहुत गंभीर है, निश्चिंत ही अंतर्मन की सुननी है मुझे। चैप्टर 4। आज सप्ताह के बाद फिर से डॉक्टर धीर को दिखाने चंडीगढ़ आए हैं। इस बार मेरा भतीजा विराट मेरे साथ है, मुझे तो ड्राइविंग आती नहीं। डॉक्टर धीर ने देखा और एक सप्ताह और दवा खाने की कहकर फिर दिखाने को कहा। हम जब लौटने लगे तो जाने क्यों मेरा मन हुआ कि मुझे थोड़ा सा समय सुखना लेक पर बिताना है।
मैंने विराट से बोला तो उसने बिना कुछ पूछे गाड़ी सुखना लेक की तरफ मोड़ दी। सुखना लेक से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। मैं जब चंडीगढ़ पढ़ता था तो अक्सर सुखना लेक आता, घंटों सीढ़ियों पर बैठकर पानी में पैर डुबोकर बैठा रहता, मुट्ठी में कंकड़ भर लेता और एक एक कर पानी में फेंकता, दायरे बनते बनते होते जाते और झील की लहरों में खो जाते। पूर्णमासी की रात को जब चांद पहाड़ियों के पीछे से निकलता, चांद की चांदनी झील के पानी में पड़ती तो लगता कोई चांदी की नदी हो। खान भाई से अक्सर मेरी मुलाकात हो जाती, उनकी बांसुरी सुनकर मन आनंद से भर जाता। खान भाई के पास मेरे हर सवाल का एक ही जवाब होता, वो ख्याली है ख्यालात समझने वाला, तुझसे बेहतर तेरे हालात समझने वाला। शुरू शुरू में तो मुझे ये जवाब बड़ा अजीब सा लगता, फिर धीरे धीरे इसकी समझ आ गई मुझे। मैंने अपने जीवन के ढेर सारे निर्णय सुखना लेक के कदमों में बैठकर लिए हैं, तो क्या अब भी मैं कोई निर्णय लेने वाला हूँ? ताया जी, मेरा फोन। अचानक विराट की घबराई आवाज़ ने सोच बिखेर दी। विराट शायद कोई वीडियो बना रहा होगा कि उसके हाथ से फोन छूट गया। गनीमत है कि पहली ही सीढ़ी पर गिरा, पानी में तो भीग गया मगर फोन बच गया। अब सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ विराट के फोन पर चला गया। कैसा होता है ना कि एक छोटी सी घटना कहां से कहां पहुंचा देती है। विराट पानी में भीगे फोन को सुखाने के उपाय ढूंढने लगा और मेरा फोकस भी अब उसी तरफ मुड़ गया। चैप्टर 5। संजय ने डॉक्टर अमित को फोन करके बता दिया कि भैया अभी चंडीगढ़ में हैं और 15 दिन बाद ही लौटेंगे। उधर से भी जवाब आया कि मैं भी US जा रहा हूँ, 2 महीने बाद ही लौटूंगा। डॉक्टर गुप्ता के असिस्टेंट का भी फोन आया तो मैंने आधा सच आधा झूठ बोला कि मैं PGI चंडीगढ़ में ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। घर पर तो मम्मी पापा से रोजाना कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, जीवन में हमेशा सच बोलने से तो काम नहीं चलता। फिर मेरा यह झूठ बोलना कोई गुनाह भी नहीं। आज तीसरी बार चंडीगढ़ जब डॉक्टर धीर को दिखाया तो वो चुपचाप मुझे माइनर OT में ले गए और बायोप्सी कर दी, सैंपल जांच को भिजवा दिया, नेजल पैक लगा दिए और बोले रिपोर्ट 3 दिन बाद आएगी। 3 दिन चंडीगढ़ रुक कर भी क्या करता तो दिल्ली वापस लौट आए। घर में अजीब सा माहौल है, मम्मी पापा पूछते हैं तो झूठ बोलना पड़ता है। मनु कहता नहीं ज़्यादा कुछ मगर सोचता तो होगा कि पहले मम्मी को कैंसर निकल गया। अब सुनीता मेरी बहन डॉक्टर है, उसे सब पता है, मगर वह किसी से कुछ बताने वाली नहीं, खास तौर पर मम्मी पापा को तो बिल्कुल नहीं। श्रीमती जी के कैंसर से मौत ने घर के लोगों में यह धारणा बना दी है कि कैंसर मतलब मौत। 3 दिन बीत चुके, आज मुझे रिपोर्ट लेने चंडीगढ़ जाना है। संजय को साथ लेकर मैं निकला चंडीगढ़ जाने। हम अम्बाला तक पहुंचे तो महेश का फोन आया कि रिपोर्ट आ गई है। रात भर करवटें बदलता रहा, नींद की गोली भी नींद नहीं ला सकी। चुपके से उठा, बाहर आकर लॉन में बैठ गया और कॉलेज के दिनों की यादें खोलकर बैठ गया। अक्सर इसी लॉन में आ बैठता और योजनाएं बनाता। तब हम लोग भी इसी घर में रहा करते थे। सुबह ने आंखें खोली, एक धूप की लहर लहराई और मन का द्वार खटखटाने लगी। जल्दी से तैयार हुआ, नाश्ता किया और हम तीनों रिपोर्ट लेने पहुंच गए। रिपोर्ट का लिफाफा मुझे पकड़ाते हुए डॉक्टर धीर ने बोला, आपकी रिपोर्ट तो फ्रेंडली नहीं है, कैंसर है नेजोफेरिंक्स में और इसका इलाज तो आपको दिल्ली में ही करवाना होगा। मैंने एक रेफरेंस लेटर लिख दिया है डॉक्टर देवेंद्र के नाम, आप सबसे पहले उन्हें दिखाना, वो जैसा कहें वही करना। कीप इन टच विद मी। मन में विचार आया कि पूछूं इसका प्रोग्नोसिस यानी रोग का पूर्वानुमान क्या है, मगर अंतर्मन ने पूछने से रोक लिया। एक प्रश्न का उत्तर मिला जिसने ढेर सारे सवाल खड़े कर दिए।